ड्राई डैमेज और फ्रिज हेयर को किस तरह से स्मूथ करके उसका लुक चेंज कर दिया है और इस लुक को मेंटेन करके रखने के लिए इस पे न्यूट्रलाइजर कैसे अप्लाई करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इस वीडियो में शेयर है। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्मूथनिंग के बाद क्या प्रोसेस फॉलो करना है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल क्लासी लुक पर आप सब लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में देखा कि हेयर को स्मूथ कैसे करते हैं और स्मूथ करने के बाद हमें क्या करना है, इस वीडियो में शेयर है। तो हेयर हमारा स्मूथ हो चुका है, अब इसे हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई करके इस स्मूथनिंग को फिक्स करके रखेंगे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग हो और हेयर पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो आप बैक टू बैक भी कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद, स्ट्रेट करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए 2 दिन तक वेट करना चाहिए। और हम लोग 2 दिन वेट करेंगे और 2 दिन तक हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमारे हेयर पे पानी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, ऑयल टच नहीं होना चाहिए, हेयर को कान के पीछे लेके नहीं जाना है, क्लचर बैंड या चोटी नहीं करना है, हेयर को बांधना बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल सेफ रखना है, बचा के 2 दिन, और 2 दिन के बाद हमें न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है, क्योंकि स्मूथनिंग के बाद हेयर 2 दिन तक डीप प्रोसेस में होता है। तो 2 दिन वेट करना सबसे बेस्ट होता है। स्मूथनिंग के 3रे दिन हमें न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना चाहिए और न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के लिए आपको थोड़ा सा न्यूट्रलाइजर लेना है, और क्योंकि ये थिन होता है, जो हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम होती है उससे थोड़ा सा ये पतला होता है, तो ये थोड़ा सा पहले लेना चाहिए और जैसे अप्लाई होगा उसके बाद से आपको फिर दोबारा लेना चाहिए। एक साथ आप ढेर सारा क्वांटिटी नहीं ले सकते, थोड़ा थोड़ा करके लेना है। आप इसे ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं और आप हैंड से भी अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने से पहले जब आपके क्लाइंट आते हैं तो पहले हेयर को स्ट्रेट करना है, दोबारा स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद फिर दोबारा आपको सेक्शन बनाना है, और सेक्शन बनाने के बाद पतला पतला सेक्शन क्रिएट करना है, जैसा कि हम लोग स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करते समय किए थे। तो और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे स्मूथनिंग क्रीम जब हम लगा रहे थे तो उसको प्रेस कर रहे थे, बार बार खींच रहे थे हेयर को, लेकिन अभी आपको प्रेस नहीं करना है। यहाँ पे आप थोड़ा मोटा सेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजर थोड़ा सा पतला होता है, वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हेयर में, और उसको थोड़ा सा मोटा सेक्शन लेंगे, थोड़ा मोटा लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सारे हेयर पे अच्छी तरह से न्यूट्रलाइजर अप्लाई होना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप रूट पर अगर टच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूट्रलाइजर को टच कर सकते हैं, लेकिन आपको हेयर को खींचना नहीं है, बहुत ही ध्यान से आराम से लगाना है, आपको कॉम नहीं करना है। या एक बार जब न्यूट्रलाइजर अप्लाई हो गया तो फिर आपको वॉश करने के लिए ही दोबारा हेयर को टच करना है। तो इस तरह से आपको न्यूट्रलाइजर अप्लाई करना है कि बस अप्लाई किया और उसे सेट करते हुए चले जाएँ, एक एक करके हेयर को सेट करते हुए चले जाना है। तो आप ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं और उसे हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मिक्स किया जा रहा है। सारे हेयर पे न्यूट्रलाइजर अप्लाई होना चाहिए और हेयर बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, लेकिन आपको खींचना भी नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हेयर को बिल्कुल खींचना नहीं है। यहाँ थोड़ा थोड़ा सेक्शन करके न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते हुए सारे हेयर पे अच्छी तरह से न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर देंगे और 45 मिनट तक न्यूट्रलाइजर अप्लाई रहने देंगे। फिर हेयर को अच्छी तरह से वॉश कर देना है, खींचना बिल्कुल नहीं है। हेयर वॉश करने के बाद हमें इसको ड्राई करना है, और ड्राई भी आपको हीट टेम्परेचर पर नहीं करना है, नॉर्मल पर करना है, या फिर आप कूल पर कर सकते हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कॉम बिल्कुल नहीं करना है, आपको फिंगर से कॉम करना है। जब अच्छी तरह से हेयर ड्राई हो जाएंगे तो फिर दोबारा आपको स्ट्रेट करना है। तो इस तरह से आप फाइनल रिज़ल्ट दे सकते हैं स्मूथनिंग का, और उसके बाद आपके हेयर बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ स्ट्रेट हो जाएंगे और बालों में अच्छी शाइनिंग भी बनी रहेगी और हेयर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हेयर स्मूथनिंग कम से कम 2 से 3 साल तक स्टे करेगी और भी लॉन्ग जा सकती है।
और जितना ही आप इसकी केयरिंग करेंगे, इसका शैम्पू यूज़ करेंगे, समय समय पर मास्क का यूज़ करेंगे, तो हेयर स्ट्रेटनिंग लॉन्ग जा सकता है। तो ये चीज़ क्लाइंट को समझा देना है, या तो आपके पास प्रोडक्ट है तो मास्क और शैम्पू क्लाइंट को दीजिए, और नहीं तो उन्हें सजेस्ट करिए कि वही हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद शैम्पू का स्टेंसो शैम्पू का यूज़ करें, ताकि वो हेयर को अच्छी तरह से सेफ रखे। तो स्ट्रेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी हेयर पे कटिंग करना, क्योंकि हेयर की लेंथ बढ़ जाती है और वो बराबर शेप में नहीं आता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा आता है। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं और लेयरिंग भी कर सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट को थोड़ा सा लेयर का लुक चाहिए, तो आप लेयर दे सकते हैं। और लेयर कट करने के लिए बहुत ईजी तरीके का यूज़ करना है, पतला पतला सेक्शन लेना है दोनों साइड से, और गाइडलाइन क्रिएट करना है कि कितना शॉर्ट हेयर चाहिए, और उसके बाद से कॉम में हेयर को होल्ड करना है, और उस गाइडलाइन से मर्ज करते हुए थोड़ा थोड़ा हेयर को ट्रिम करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, गाइडलाइन क्रिएट होने के बाद पतला पतला सेक्शन ले रहे हैं, हेयर को कॉम में होल्ड कर रहे हैं, और उसको हल्का सा टर्न करने के बाद हल्का हल्का सा ट्रिमिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लेयरिंग इसमें आ जाएगा, और हेयर स्ट्रेट रहते हैं और उसमें लेयर भी होते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत लुक मिलता है। तो ये ऑप्शनल है, आप लेयरिंग दे सकते हैं या फिर बैक साइड से बिल्कुल स्ट्रेट भी कट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, आपके क्लाइंट की जैसी इच्छा हो वैसे वर्क कर सकते हैं। तो वन साइड हम लोग लेयर करने के बाद सेकेंड साइड आ चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कॉम में हेयर को होल्ड किया और हल्का हल्का सा ट्रिमिंग करना है, सीजर्स को बिल्कुल हल्का हल्का मूव करना है, और जो पॉइंट होता है एंड पॉइंट, बस उसे ट्रिम करना है और गाइडलाइन से मार्च करते हुए ट्रिम करना है, थोड़ा थोड़ा करके हेयर को जब ट्रिम कर लेंगे, तो ट्रिम करने के बाद दोनों साइड के हेयर को इक्वल सेट करके देखेंगे कि हमारे हेयर ट्रिम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो ये चीज़ बाद का प्रोसेस है, पहले ट्रिमिंग कर लेना है। ट्रिमिंग करने के बाद आप चाहें तो जैसे ट्रिमिंग करते हुए आप बैक साइड तक जा सकते हैं, अभी हम लोग हेयर टू हेयर पार्टीशन करके सिर्फ सामने के हेयर को ट्रिम कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे हेयर को लेयरिंग का लुक दे सकते हैं, और दोनों साइड के हेयर को ऐसे मर्ज करते हुए चेक करेंगे कि दोनों साइड के हेयर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट हेयर में बहुत ही ध्यान से ट्रिमिंग करनी होती है, थोड़ा सा भी अप डाउन होगा तो वो स्पष्ट दिखाई देगा कि यहाँ पर कम या ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और रिपीट आपको चेक भी करना है कि इक्वल है हेयर कि नहीं है। तो कटिंग कंप्लीट करने के बाद हमें बैक साइड जाना है, और बैक साइड के जितने हेयर रफ़ हो चुके हैं, यहाँ तो हेयर काफ़ी रफ़ थे और जब स्ट्रेट हुए हैं, तो वो जो पतले हेयर आ रहे हैं तो उसको कट करके निकालना है, तो उसको स्ट्रेट कर देना है। लेकिन हमारे क्लाइंट का कहना यह है कि उन्हें बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, जितना हेयर का लेंथ बढ़ चुका है उसको कम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा अप डाउन लग रहा है तो हल्का सा ट्रिम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आपको क्लाइंट की मंजूरी लेके करना है, उनको कैसा चाहिए, कितना शॉर्ट चाहते हैं, कितना लॉन्ग चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हल्का सा ट्रिमिंग कर रहे हैं, और ट्रिमिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लुक है, और आप लेयरिंग भी दे सकते हैं, लेकिन लेयरिंग में थोड़ा सा हेयर कम दिखाई देता है, और स्ट्रेट कट करते हैं तो लॉन्ग हेयर दिखते हैं और पूरा हेयर के ग्रोथ भी दिखाई देती है। तो आप स्ट्रेट करने के बाद आप स्ट्रेट कट कीजिए, काफ़ी खूबसूरत लुक मिलता है। तो ये अभी हम लोगों के हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद से हेयर को वॉश कर लिए हैं, कटिंग करके शेड कर दिए हैं। तो ये फाइनल लुक है, और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और स्मूथनिंग का तरीका पसंद आया हो तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे, क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो लेके हम आते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हेयर से कलर कैसे निकालना है और केराटिन कैसे करना है, तो ये सारा वीडियो हम एक एक करके अपलोड करेंगे।
तो आप लोग लगातार मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने हेयर को धूप धूल मिट्टी से थोड़ा बचा के रखिएगा और आपके हेयर की खूबसूरती बनी रहेगी। फिर मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।